नया सवेरा संगठन कलबुर्गी और मोदिन पटेल अंडबी अध्यक्ष और उनके साथियों ने मिलकर कलबुर्गी शहर के छोटे अंधे बच्चों का विद्यालय में शाहपुर विधानसभा के सदस्य और माजी मंत्री श्री सनबसप्पा गौड़ा दक्षिणापुर का 63वां जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को खाना खिलाया गया। मीडिया से बात करते हुए नया सवेरा संगठन कलबुर्गी के अध्यक्ष मोदिन पटेल अंडबी ने कहा कि आज हमारे हरदिल अजीज लीडर श्री सनबसप्पा गौड़ा दक्षिणापुर का 63वां जन्मदिन है। इसी अवसर पर हमारे नया सवेरा संगठन कलबुर्गी के सारी टीम की ओर से हमने इस छोटे अंधे बच्चों को खाना खिलाया गया और मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे और मैं दुआ करता हूं कि सनबसप्पा गौड़ा दक्षिणापुर की उम्र दराज करे और उनकी जो सियासी जिंदगी है उसमें तरक्की करे। आज हमारे लीडर जनाब सनबसप्पा गौड़ा दक्षिणापुर साहब का 62वां जन्मदिन है। इस मौके पर नया सवेरा संगठन की जानिब से एंटायर मेरे टीम की जानिब से यहाँ पर जो ब्लाइंड स्कूल में जहाँ पर बच्चों की रोशनी नहीं दिखती यही स्कूल में आकर यहाँ पर ये लोगों को खाना खिलाते हुए सनबसप्पा दक्षिणापुर साहब का बर्थडे मनाया गया है। इस मौके पर मोहतरमा भारती सनबसप्पा गौड़ा दक्षिणापुर यहाँ पर आए हुए हैं और श्री अल्लम प्रभु पाटिल साहब, शरण कुमार मोदी साहब और हमारे शेख हुसैन साहब और चेतन गोनायक साहब और हमारे टीम के जो सहरा बानो मैडम और बाबा फखरुद्दीन अंसारी, फातिमा मैडम, शेख समरीन मैडम और विजय कुमार साहब और हमारे टीम के ऑल टीम जो आई थी मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि सनबसप्पा दक्षिणापुर साहब की उम्र दर्ज करे और उनकी जो पॉलिटिकल ज़िंदगी है और ऊंचाई पर जाए और एक बार मेरे पूरे टीम के जानिब से मैं बर्थडे मुबारकबाद देता हूं।